जेपी के साथ विश्वासघात करने वाले लोग संपूर्ण क्रांति पर हमारा रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो अपने 15 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करें और बताएं उनके राज में क्यों बिहार अंधेरे में डूब गया था। हमारी सरकार के 15 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप मुख्यमंत्री पर नहीं लगा। जब जब बिहार में लालू नीतीश करीब आते हैं, दोस्तियां बढ़ती हैं, तो सुशील मोदी की दखलंदाजी एक बार फिर से सियासत को बदल देती है। 15 में लालू नीतीश की दोस्ती हुई और 17 आते आते सुशील मोदी के दांव मिट्टी घोटाला मॉल घोटाला एक बार फिर से सरकार बदलने पर मजबूर कर दी। और एक बार फिर से जब करीब आ रहे हैं, भले ही यह नीतीश कुमार के शासनकाल की रिपोर्ट कार्ड जारी की जा रही हो, लेकिन इस रिपोर्ट कार्ड ने सब कुछ बयां किया है कि तेजस्वी को जिस हिसाब से नीतीश पर हमला करना चाहिए उस हिसाब से हमला हो नहीं रहा है और तेजस्वी नीतीश के बीच जो बातें हैं वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। भले ही गठबंधन में ना हो, भले ही दोस्ती का इशारा दिया जा रहा हो, लेकिन सुशील मोदी सब कुछ समझते हैं और सुशील मोदी ने एक बार फिर से तेजस्वी के पिता के शासनकाल को लेकर प्रहार किया है और कहा है कि राजद के शासनकाल का भी रोड मैप और राजद के शासनकाल का भी रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को। भले ही नीतीश कुमार ने इस पर जवाब नहीं दिया है, लेकिन तेजस्वी के तरफ से अब कहीं ना कहीं जो तमाम दल हैं वो महागठबंधन के समर्थन में हैं, लेकिन सुशील मोदी का ये बयान काफी अहम हो जाता है। मित्रों, जेपी के साथ विश्वासघात करने वाले लोग संपूर्ण क्रांति पर हमारा रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो अपने 15 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करें और बताएं उनके राज में क्यों बिहार अंधेरे में डूब गया था और लोगों के हाथ में लालटेन थमा दी गई थी। बिहार की सड़कें गड्ढों में बदल गई थी। बिहार के अंदर अपहरण ने उद्योग का रूप धारण कर लिया था। हजारों लोगों को बिहार छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। शाम के बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। लाठी में तेल पिलाकर अति पिछड़े समाज के लोगों को कमजोर तबके के लोगों को डराया जाता था, भयभीत किया जाता था। स्कूल कॉलेज बंद हो गए और चरवाहा विद्यालय प्रारंभ हो गए। तो जिनके राज में बिहार एक अंधेरे युग में डूब गया, आप उनका रिपोर्ट कार्ड जारी करने की हिम्मत नहीं है। आज हमारी सरकार के कार्यकाल में गांव गांव तक सड़कें बन गई, 24 घंटा बिजली है, गंगा नदी से लेकर सारे बड़े नदियों पर महासेतु, बड़े बड़े पुल पुलिया बन रहे, लेकिन आपके राज में क्या था? हमारी सरकार के 15 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप मुख्यमंत्री पर नहीं लगा। आपके राज में तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जेल जाना पड़ा। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला किनके राज में हुआ? एक दर्जन मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 8167 00। धन्यवाद।